हेलो जी, स्वागत है आपका स्टडी ऑन मंच यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, जैसे कि आपको पता है, ग्रुप डी के पेपर में साइंस आएगी लगभग 15%, यानी 12 या 13 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें आएंगी, जिसके लिए आपा ने वन लाइनर सीरीज जो है विद एक्सप्लेनेशन चला रखी है। एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके से दी जाती है कि आपको सारे के सारे पॉइंट यहीं क्लियर हो जाते हैं, आपको कहीं भी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले आपने दो वीडियोस डाल दी हैं, आज अपनी तीसरी वीडियो है। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपकी साइड से कोई सपोर्ट नहीं रहा तो हो सकता है वीडियोस पहले की तरह बंद हो जाएं। ठीक है, क्योंकि मेरे को कोई इतना वो नहीं है। जब आप सपोर्ट करेंगे तो आपका फ़ायदा होएगा, ज़रूर फ़ायदा होएगा, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा, आज जो हम करेंगे थर्ड वीडियो करेंगे। अच्छा, शिक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। पहले बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड करे शिक्षा ऐप एप्लीकेशन। शिक्षा ऐप के नाम से थी, लेकिन अभी वो टारगेट 360 डिग्री के नाम से हमने चेंज कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्विज आपको वहाँ भी मिल जाएगी। तो चलिएगा, करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, वनस्पति तेलों के निर्माण में जो गैस यूज होती है वो होती है हाइड्रोजन। और वनस्पति तेल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वनस्पति तेल बनाने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल बनाने की जो प्रोसेस है उसे आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण जो है वो बोलते हैं। अच्छा, इस हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस में वनस्पति तेल बनाए जाते हैं, आपको इतनी बता दी बात। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, भाई साहब बताइए कि कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज करते हैं? उत्प्रेरक क्या होते हैं? कैटालिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी प्रोसेस को करवाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम कैटालिस्ट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हो आप लोग? उनको आप बोलते हो कैटालिस्ट। ठीक है, तो अब उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेलों के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में एज ए कैटालिस्ट किसका यूज किया जाता है? निकेल का किया जाता है। किसका? निकेल का। सिंबल क्या हो जाएगा? Ni। क्या हो जाएगा? Ni। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, वनस्पति तेलों के निर्माण में गैस कौन सी यूज हो रही है? हाइड्रोजन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक एज ए कैटालिस्ट किसका यूज होता है? निकेल का। सिंबल क्या है? Ni। समझ गए इतनी बात? ठीक है, गर्मी बहुत है भाई, बहुत लेबर कर रहे हैं, जितना हो सके सपोर्ट करना, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की, यूरिया खाद आप डालते हो, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। कितनी होती है? 46%। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है नाइट्रोजन होती है कितनी? 78% के लगभग। लेकिन आपसे पूछा जाए वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कितने परसेंट हिस्सा मनुष्य का शरीर ग्रहण करता है? क्या पूछा गया क्वेश्चन? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का कितने परसेंट हिस्सा मनुष्य का शरीर ग्रहण करता है? हिस्सा मनुष्य का शरीर जो है वो ग्रहण करता है, तो मनुष्य का शरीर ग्रहण करता है 0% नाइट्रोजन जो वायुमंडल में होती है। समझो, देखो, एक बार सांस अंदर जाती है, एक सांस की प्रक्रिया क्या होती है? एक बार सांस को अंदर लेके जाना, दूसरी बार बाहर निकालना, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इनहेल और एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल, यानी कि अंदर लेके जाना, इन करना, और आउट करना यानी बाहर निकालना, है ना। 78% अंदर लेके गए, 78% ही बाहर निकाल दी, इन दोनों का डिफरेंस आया 0%, इतनी हम ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रोजन वायुमंडल वाली हमने ग्रहण की 0%, तो हमें नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है? तो आप बताएंगे, मनुष्य को जो नाइट्रोजन मिलती है वो मिलती है दलहनी पौधों से, दालों से, दलहनी पौधों से मिलती है। दलहनी पौधे बोल दो, या फिर आप बोल दो कि मनुष्य को नाइट्रोजन मिलती है प्रोटीन से।
किससे मिलती है? प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन जो है वो दलहनी पौधों में ज़्यादा होता है, दालों में ज़्यादा होता है। सोयाबीन जैसे एक टाइप से दाल का ही रूप है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रोटीन होती है। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, सोयाबीन हो गया, मूंगफली होगी। प्रोटीन की कमी से, यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन और निकाला, प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो रोग हो जाते हैं। एक तो होता है क्वाशियोरकर, ठीक है, बच्चा दुबला पतला हो जाता है, और दूसरा होता है मरासमस, बच्चे का दुबला पतला होना और पेट बाहर की साइड निकलाना, मरासमस। ये दोनों के दोनों रोग जो होते हैं वो प्रोटीन की कमी से होते हैं। आपसे पूछा जाए कि इनमें से ये बताइए कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो आप इन दोनों का नाम बता सकते हो। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन तुम्हें पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? जी, प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, पाई जाती है सबसे ज्यादा एलिमेंट। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अम्ल व क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल एसिड और बेस, यानी अक्षार की प्रतिक्रिया से, की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल और अक्षार की प्रतिक्रिया से बच्चे बनते हैं लवण, यानी साल्ट। ठीक है, एक होता है एसिड जिसको आप क्या बोलते हैं? अम्ल। एक होता है बेस जिसको आप क्या बोलते हैं? अक्षार, या इसे बोला जाता है भस्म। ठीक है, और एक होता है लवण। ठीक है, अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और अक्षार होते हैं कड़वे, ये आपको पता ही अच्छे से। लवण इन दोनों की रिएक्शन से बनते हैं, तो बकबका सा स्वाद आप बोल सकते होता है। अब यहाँ पे देखो, अम्ल का पीएच लेवल जो है वो 7 से कम होता है, इनका पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका पीएच लेवल लगभग मिक्स सा मिलेगा तुम्हें, और 7 जिनका पीएच लेवल होता है उसको बोलते हैं उदासीन। पीएच स्केल जो है वो सार्समैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? सार्समैन के द्वारा। बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल चलेंगे आपा, सार्समैन ने दिया था। अब ये थी बेसिक अपडेट, अब चलते हैं हाई लेवल पे। आपसे पूछा जाए कि अम्ल की असली पहचान क्या है? अम्ल में एक तत्व होता है जिसको आप क्या बोलते हो? हाइड्रोजन। किसी भी अम्ल में जरूरी जो तत्व पूछा जाए पेपर में क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन होगा ही होगा। जैसे कुछ अम्लों के नाम लिखते हैं हम लोग, H2SO4, HCl, HNO3, ये सारे एसिड हैं जिनमें H की प्रेजेंस है। समझ में ये, यानी H होना जरूरी है। उसी तरीके से अक्षार की जब हम बात करें, तो अक्षार में हाइड्रोक्सिलिक आयन का होना जरूरी होता है। जैसे कि आप NaOH, जिसमें OH मिल जाए वो क्या होता है? अक्षार होता है, जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, या हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अक्षार बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, और आप सारी की सारी बातें, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मैंने साइंस की यूट्यूब पे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आतिशबाजी में लाल रंग किस कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग का क्या कारण है? लाल रंग का कारण, तो देखो आतिशबाजी की जब हम बात करें, तो आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है उसका मेन कारण क्यों होता है लाल रंग, तो आप बताएंगे स्ट्रोंशियम नाम का इसमें एक तत्व पाया जाता है, स्ट्रोंशियम का सिंबल होता है SR। इस वजह से आतिशबाजियों में लाल रंग होता है, रंग लाल होता है किसकी प्रेजेंस के कारण? स्ट्रोंशियम की। उसी तरीके से मैं पूछूं कि आतिशबाजी का रंग हरा किस कारण होता है, तो हरा रंग होता है जी बेरियम की उपस्थिति के कारण, बेरियम। ठीक है, बेरियम BA। ये दोनों के दोनों, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पीरियोडिक टेबल जिसको आप हिंदी में बच्चे बोलते हैं आवर्त सारणी, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? जिसको आप हिंदी में बोलते हैं इसको आवर्त सारणी। आवर्त सारणी जो है इसमें सारे के सारे तत्वों के बारे में बताया गया है, तत्वों को दर्शाया गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, जितने भी हैं सारे के सारे यहाँ पे हैं, सर्च करके देखोगे, जिसने नहीं देखी तो मिल जाएगी पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हैं टोटल। पीरियोडिक टेबल में इस टाइप से जो लंबी खड़ी हुई लाइनें होती हैं इनको ग्रुप बोलते हैं, और इस टाइप से जो लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको क्या बोला जाता है? आवर्त, यानी
इंग्लिश में बात करें तो इनको बोलते हो आप पीरियड्स। ये जो पीरियड्स की संख्या होती है टोटल, ये होती है सात, आवर्तों की संख्या सात होती है लेटी हुई लाइनों की। उसी टाइप से ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको ग्रुप कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ये टोटल कितने होते हैं जी? ये टोटल होते हैं 18। ये कितने होते हैं टोटल? ये होते हैं 18 जी। कितने होते हैं टोटल? 18। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये टोटल 18 होते हैं, आवर्त टोटल कितने होते हैं, सॉरी 18 और 7, और ग्रुप कितने होते हैं? 18। अब ये जो दो तत्व बोले मैंने, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये दोनों के दोनों ग्रुप नंबर दो में आते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्ट्रोंशियम किस वर्ग का सदस्य है, तो दूसरे का। उसी टाइम से बेरियम किस वर्ग का सदस्य है, तो आप क्या बताएंगे? ग्रुप नंबर दो का सदस्य है। तो क्या बताओगे आप? बताओगे आप ग्रुप नंबर दो का सदस्य है। तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको 10 मिनट में करवा दिए। आप ये वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो फटाफट से कल मिलेगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकें। जो अपनी टारगेट 360 ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।